साथियों, झारखंड में नक्सलवाद की यह समस्या इसलिए भी बेकाबू हुई है क्योंकि यहां राजनीतिक अस्थिरता थी। यहां सरकारें पिछले दरवाजे से बनती और बिगड़ जाती थी क्योंकि उनके मूल में स्वार्थ होता था, करप्शन होता था। इन स्वार्थी लोगों में झारखंड की सेवा की कोई भावना नहीं है। इन स्वार्थी लोगों के गठबंधन का एकमात्र एजेंडा है सत्ता भोग, और झारखंड के संसाधनों का दुरुपयोग। और इसी फिराक में ये एक बार फिर आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। साथियों, जिस तरह की स्थिति इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने यहां की बना दी थी, उसमें यहां सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम कैसे हो सकता था, नए उद्योग कैसे लगते, नए रोजगार का निर्माण कैसे होता, किसान के खेत को सिंचाई, उपज से उचित कमाई और बच्चों की पढ़ाई अस्थिरता के वातावरण में कैसे संभव हो पाती। इन लोगों की नजर यहां की मिट्टी के नीचे जो संपदा थी ना, उस पर थी। उन्हें जमीन पर बसे इंसान के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। अनिश्चितता की स्थिति का लाभ ऐसे लोगों ने उठाया जिनकी दुकान हिंसा पर चलती थी। यही उद्योग यहां भरपूर फला फूला। साथियों, बीते 5 वर्ष में स्थिति को काफी हद तक बदलने में केंद्र और राज्य की भाजपा की सरकार ने मिलकर सफलता पाई है। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पूरे 5 वर्ष तक रघुवर दास जी के रूप में एक ही मुख्यमंत्री यहां रहे हैं। भाजपा सरकार के ईमानदार प्रयासों की वजह से ही आज झारखंड के गांव गांव में सड़कें पहुंच रही है, गांव गांव में बिजली पहुंच रही है। बदलते हुए हालात में अब यहां रोजगार के नए साधन तैयार हो रहे हैं, नई बसें, ट्रक, टेम्पो के माध्यम से तो रोजगार मिल ही रहा है। अब यहां एक नया स्टील प्लांट भी जल्द ही तैयार होने वाला है। इतना ही नहीं, यहां से जो बॉक्साइट निकल रहा है उसका बड़ा हिस्सा यहीं के विकास में लगे, इसका भी प्रावधान पहली बार भाजपा की सरकार ने ही किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है ताकि आदिवासी इलाकों की संपदा से उन इलाकों के लोगों का विकास हो सके। इसके तहत करीब 5000 करोड़ रुपए झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए मिले। इसी फंड से यहां स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं बनाने में मदद मिल रही है। यही नहीं, जंगल में रहने वाले साथियों के जमीन से जुड़े गए क्लेम भी तेजी से सेटल किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहां कुल 1 लाख से ज्यादा क्लेम किए गए हैं, जिसमें से करीब 60,000 का निपटारा कर दिया गया है। बाकियों के लिए भी तेजी से प्रयास किया जा रहा है। विरोधी हताशा में कुछ भी कहें, लेकिन आपके जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा आपके हितों पर भाजपा दीवार बन के खड़ी रहे।
कोई आंच नहीं आने देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया।